कि भाइयों बहनों, इस देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। यही कहा था ना, याद है नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? भाइयों बहनों, खजाने की चाबी सौंप दो, मैं चाबी नहीं लूटने दूंगा। अब तो मैं पार्लियामेंट में भी उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार? थक गए हैं क्या? मुझे लगना चाहिए मैं मांडर में खड़ा हूं, मुझे लगना चाहिए मैं जिंदा दिल लोगों के बीच में खड़ा हूं। आज की रात भाजपा वालों को नींद नहीं आएगी। वो इस सभा में आए हो या ना आए हो, लाइव जरूर देख रहे होंगे कि कितनी भीड़ जुटी। बंधु तिर्की ने क्या बोल दिया, इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या बोला, तो उनसे बताइए कि इमरान प्रतापगढ़ी तो खड़ा होकर ये पूछ रहा है कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय, अच्छा ये इतने अच्छे लोग हैं कि बस चाय का नाम ले लो इनको स्वाद आ जाता है। झारखंड के लोगों को, मतलब इनकी मोहब्बत को सलाम करता हूं। यहाँ हमारे स्टेट चेयरमैन मंजूर अंसारी साहब बैठे हैं, हमारे नेशनल वाइस चेयरमैन अनवार अंसारी साहब बैठे हैं, हमारे प्रभारी उमर खान साहब बैठे हैं, हमारे अमरजीत भगत साहब, लियाकत गद्दी साहब, अदनान अशरफ साहब, बाकी यहाँ के जो हमारे जिला चेयरमैन है, बाकी जो यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, मेन बॉडी के जो भी साथी बैठे हैं, के चाय, मतलब बड़े अच्छे लोग हैं आप। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और अगली जो लाइन है ना, उस पे जो आपकी तालियों का शोर उठे, वो पहले तो गुवाहाटी तक जाए, फिर लखनऊ जाए, फिर दिल्ली तक जाए, तब मुझे लगेगा कि हाँ मैं मांडर में खड़ा हूं। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। और जाते जाते माइक का इको इतना मत बढ़ा दीजिए कि इमरान प्रतापगढ़ी की नहीं बल्कि हेमंत विश्व शर्मा की आवाज लगने लगे, थोड़ा इको कम कर दो, मेरी आवाज तो साफ सुथरी जानी चाहिए, मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूं। अच्छा, आपके माइक का डायरेक्शन सही कर दो, इस देश में मीडिया के माइकों का डायरेक्शन ही तो सही करना है भविष्य में। के बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है, मुझे लगना चाहिए वही जोश, वही जज्बा। इलेक्शन हौसले से लड़ा जाता है, खामोश रह के नहीं लड़ा जाता। ये जो दूर दूर से आकर के आए बाएं बक रहे हैं ना, जब जनता खड़ी हो जाती है बागी बनके, तो नफरत की कोई भी दुकान उसका शटर नहीं खुल सकता है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है। अगली लाइन पर तैयार रहना अगर सच बात लगे तो, कि बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है, गठबंधन ही जीतेगा हेमंत सोरेन दोबारा है, बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है।
बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है। और पंक्तियां सुनिएगा कि कुछ बहुरूपिये दिल्ली असम से तुम्हें बांटने आए हैं। आए हैं कि नहीं आए तो समर्थन करना मेरी बात का कि कुछ बहुरूपिये दिल्ली असम से तुम्हें बांटने आए हैं। इनसे बचकर रहना ये नफरत के नारे लाए हैं। इनसे बचकर रहना ये नफरत के नारे लाए हैं। इसे टूटने मत देना जो अपना भाईचारा है। शुक्रिया। बड़े जुझारू लोग हैं भाई। बंधु तिर्की जी, आपने भी कमाल ही किया हुआ है। कैसे टूटने मत देना जो अपना भाईचारा है। गठबंधन ही जीतेगा हेमंत सोरेन दोबारा है। बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है। मैंने सुना है आगे आप प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, गृह मंत्री जी बात कर रहे हैं आदिवासियों की कि आदिवासी समाज से हमें बड़ा प्रेम है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सच्ची लगे तो इसे पूरे झारखंड में पहुंचाना कि आपके सीएम को भेजा था बीजेपी ने सलाखों में। आपके सीएम को भेजा था बीजेपी ने सलाखों में। आदिवासियों से नफरत दिखती है इनकी आंखों में। आदिवासियों से नफरत दिखती है इनकी आंखों में। ये नफरत के सौदागर नफरत ही इनका सहारा है। बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है। और आखिर में अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ साथियों, सारे लोग जहां भी मौजूद हैं वहां सड़क पर छतों पर जहां भी लोग मौजूद हैं, आपकी तालियों का शोर पूरे झारखंड में जाना चाहिए जो मैं पंक्तियां पढ़ने चल रहा हूं। अरे ठीक है, नारा लगा रहा है, बैठा लीजिए। देखिए होता क्या, प्यार है जनता है, आप बैठिए। आप लोग देखिए, ये मेरे कार्यक्रमों में अमूमन ऐसा होता रहता है। तो प्यार देखिए, मोहब्बत में ऐसी ताकत होती है ना कि लोग खींचे हुए चले आते हैं। मैं इस भाई की मौत, पानी पिलाइए, बुके भेंट करिए, हाँ प्यार भरा गुलाब भेंट करिए। बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है। एक ही आदमी, आप सारे लोग मिलकर उनको बुके देने लगोगे, एक ही आदमी, आप उनके साथ बैठ जाइए भाई, आप उनके साथ बैठ जाइए। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, हम क्यों मोहब्बत की बात करते हैं कि फिर से खुलेंगी झारखंड में यार दुकान मोहब्बत की। अगली लाइन पे अगर सच लगे तो तैयार रहना। फिर से खुलेगी झारखंड में यार दुकान मोहब्बत की। राहुल गांधी नाम है जिसका है पहचान मोहब्बत की। राहुल गांधी नाम है जिसका। इतनी कमजोर तालियों से काम नहीं चलेगा। मैं फिर से पढ़ रहा हूं कि झारखंड में फिर से खुलेगी यार दुकान मोहब्बत की। खुलेगी कि नहीं खुलेगी? कि झारखंड में फिर से खुलेगी यार दुकान मोहब्बत की। राहुल गांधी नाम है जिसका है पहचान मोहब्बत की। के नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, राहुल का ये नारा है। गठबंधन ही जीतेगा हेमंत सोरेन दोबारा है। बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है। के नफरत के दिन बीतेंगे, जुड़े रहे तो जीतेंगे। नफरत के दिन बीतेंगे,
जुड़े रहे तो जीतेंगे। शिल्पी आप इधर आओ, बहन बहन आप इधर आओ, मैं आपके पास तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर से चल के अपनी इस बहन के लिए दामन फैला के ये कहने आया हूं कि एक भाई एक बहन के लिए अपना दामन फैला के आपसे ये कह रहा है कि शिल्पी ने दो साल में इनको दो साल सेवा का मौका मिला। बंधु भाई आप आगे आइए। तीन साल तक बंधु भाई सेवा करते रहे। बंधु का मतलब जानते हैं आप लोग? भाई, और ये भाई की बेटी। तो भाई की बेटी को अपनी बेटी अपनी बहन समझ करके 13 तारीख को घर से बाहर निकलिए और एक एक वोट हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबाइए। दो नंबर पे बटन है, इनके लिए दो नंबर वाला बटन दबाइए और जितने दो नंबर ही घूम रहे हैं ना उनको सबको मांडर से हटाइए। झारखंड से बाहर, हाँ वो जो आए हैं बहुरूपिया उनको तो झारखंड से बाहर भेजना ही है। झारखंड झारखंड के लोगों का है, झारखंड के आदिवासियों का है, झारखंड के अल्पसंख्यकों का है, झारखंड के दलित भाइयों का है, झारखंड की अस्मिता झारखंड के लोगों की है। यहाँ नफरत की खेती नहीं पनप सकती, नहीं पनप सकती। 13 तारीख को घर से बाहर निकलिए, इस बहन के लिए अपना एक एक वोट दीजिए, क्योंकि शिल्पी बंधु नेहा तिर्की को दिया गया आपका एक एक वोट सिर्फ शिल्पी को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। शिल्पी को दिया गया आपका एक एक वोट सिर्फ शिल्पी को नहीं मिलेगा, आपकी लड़ाई खुलकर लड़ने वाले बंधु तिर्की को मिलेगा। शिल्पी को दिया गया आपका एक एक वोट सिर्फ शिल्पी को नहीं मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। शिल्पी को दिया गया आपका एक एक वोट सिर्फ शिल्पी को नहीं मिलेगा, आपके लिए हंसते हंसते जेल जाने वाले हेमंत सोरेन को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट सिर्फ शिल्पी को नहीं मिलेगा, आपका दिया गया एक एक वोट आपके भाई इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। मैं आपसे ये कहने आया हूं, यहां शिल्पी खड़ी होकर के विधानसभा में आपके मुद्दे उठाएगी और मैं देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के आपके मुद्दे उठाऊंगा, ये मैं वादा कर रहा हूं आपसे। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महास पर मुझे उन सफों में तलाश कर, मैं आपके मुद्दों पर लड़ता रहता हूं, बोलता रहता हूं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि पहली बार आया हूं लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं। शिल्पी को चुनाव जिताइए, 23 तारीख को रिजल्ट आएगा तो मैं हिंदुस्तान के किसी भी शहर में रहूं लेकिन मेरी नजरें मांडर विधानसभा पर रहेंगी। मुझे मायूस नहीं करिएगा ना, जिताइएगा ना शिल्पी को, तो उठाइए अपना एक एक हाथ और मुझे यकीन दिलाइए। उधर जो रोड पे खड़े हैं उन्होंने हाथ नहीं उठाया, आप भी उठाइए एक एक हाथ उठाइए, मुझे यकीन दिलाइए कि आपका एक एक वोट 13 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबेगा। आप 23 तारीख को रिजल्ट आए शिल्पी को जिताइए। मैं वादा करता हूं कि फिर आपके बीच में आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आऊंगा। बहुत शुक्रिया मांडर वालों, फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत मोहब्बत दी है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।